नया मीटर लगाने के बाद लगी थी दुकान में आग। पीड़ित संचालिका ने विद्युत मंडल पर लगाया आरोप। मंत्री एवं सांसद से लगाई मदद की गुहार। रविवार सुबह तड़के इंदौर गेट स्थित भरत स्कूटर ऑटो पार्ट्स के 3 मंजिला शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि शोरूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जहां शोरूम की दीवारों को तोड़कर आग बुझाई गई। भारत स्कूटर शोरूम की संचालिका आज मदद की गुहार लगाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया से कालिदास अकादमी में मिली, जहां उन्होंने मंत्री और सांसद को बताया कि 10 दिन पूर्व उनके शोरूम में विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने धमकाते हुए नया मीटर लगाया था। इसी के चलते मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी और शोरूम पूरा जलकर खाक हो गया। पीड़िता ने बताया कि उनके पति और सास ससुर की तबीयत खराब है और वे डेंगू का इलाज करा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। पीड़िता की बात सुनकर मंत्री मोहन यादव का मन पसीजा और उन्होंने तत्काल 51,000 मदद मुहैया करने के आदेश दे दिए। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने उन्हें उचित मदद का आश्वासन दिया है। सर, मेरी शॉप भारत स्कूटर के नाम से है, इंदौर गेट पर। बहुत प्रचलित शॉप है सर, हमारा नाम चलता है। पूरा नाम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया सर। बिल्डिंग राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। दीवारें तोड़ के आग बुझाई गई है। फर्नीचर स्टॉक सब खत्म हो गया। पूरी विद्युत मंडल की गलती है सर। हमारे यहाँ 10 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा के गए। मेरे हस्बैंड द्वारा मना भी किया गया कि हमारा मीटर सही है, आप मत चेंज करो। उन्होंने बोला अगर आप कुछ करोगे तो हम टीम लेके आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनको लगवाना पड़ा, मीटर लगवाया उन्होंने। इस बीच मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। पहले वो संजीवनी हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट थे, फिर उसके बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। उनकी प्लेटलेट 14,000 हो गई थी। आखिर उन्हें इंदौर ले जाया गया, इंदौर में चोइथरा में एडमिट कराया। 2 दिन हुए थे हमको। नाइट में 2 बजे मुझे कॉल आया कि मेरी शॉप में आग लगी है, मेरे ससुर जी बीमार है, मेरी सासू माँ बीमार है, मेरा 14 साल का लड़का है। पीछे उन्होंने पता नहीं कैसे क्या देखा, मैं वहाँ मेरी जान निकल गई। मैं मेरे हस्बैंड को कैसे बताऊँ। मैंने उनको ऐसी हालत में डिस्चार्ज करवाया और यहाँ लेके आई। बिल्डिंग देख के मेरी हालत बहुत खराब हो गई, इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आश्वासन आपको दिया है क्या? उन्होंने दिया है सर कि आश्वासन मुझे सहायता देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरी मदद करेंगे सर। मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ है, 8-10 परिवार चलते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे अगर हमारी शॉप चालू नहीं होगी तो। इन सबका परिवार भी हमारे साथ। सिमरन इसरानी।